विधानसभा जो कोई थी और उसमें कोई छः कोणीय संघर्ष में कोई एक व्यक्ति 3000 वोटों से जीत गया और वो सोचता मैं त्रिकोणीय संघर्ष बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी 12 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे, एक आम सभा होगी जिसमें 8 ही विधानसभाएँ जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है वहाँ से हमारे आम नागरिक भी आएंगे, कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं सारे और बसें बसें लग करके लगभग 1.5 लाख यहाँ पर हमने व्यवस्था करी है, इतने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में, बहुत उमंग उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत विश्वास है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार विकास के काम करेगी। तो जनता विकास चाहती है, विकास जो कर सकता है उसके प्रति आकर्षित है और पूरा सहयोग जनता का है, हम जीतेंगे। एक बाड़मेर सीट के लिए पूरा केंद्र जो है बाड़मेर में लगाता है, राजनाथ सिंह का भी दौरा बाड़मेर में है, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, केंद्र के बड़े बड़े नेता लगातार बाड़मेर में उनका कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। हमारे ये तो ये व्यवस्थाएँ होती है, हमारे कार्यकर्ता और हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं, अधिकारियों के प्रवास कार्यक्रम बनते हैं, कोई विशेष रूप से कि बाड़मेर के लिए स्पेशल बन रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण चुनाव है, ये देश की प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने का चुनाव है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। हमारे देश की जो दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है और उसको और हम बढ़ाना चाहते हैं, आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, ये उसका चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इसलिए सभी लोग कार्यकर्ता लग रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाड़मेर के प्रति कोई हमारा विशेष कोई अलग से हो, स्पेशल कुछ भी नहीं है, सभी स्थानों पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर कार्यकर्ता काम करता है। हमारे यहाँ एक विश्वास होता है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, टक्कर किसकी रहने वाली है? कहाँ है त्रिकोणीय? देखिए यहाँ तो त्रिकोणीय नहीं है, एक विधानसभा जो कोई थी और उसमें कोई 6 कोणीय संघर्ष में कोई एक व्यक्ति 3000 वोटों से जीत गया और वो सोचता मैं त्रिकोणीय संघर्ष बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट फाइट है और कोई तीसरा यदि है तो अपना प्रयास वो भी करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस बार बाड़मेर में मोरिये बोल जाएंगे बीजेपी को। तो अब मोरिये बोल जाएंगे, गोविंद सिंह जी अपनी भाषा बोलते हैं, हम अपनी भाषा बोलते हैं। और गोविंद सिंह जी ने बहुत कोशिश की थी पहले कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, बड़े बड़े दावे किए थे पहले। गोविंद सिंह जी से यही मेरा आग्रह रहेगा कि अपना घर संभालो, अपनी पार्टी संभालो, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई बनी हुई है उसको तो पाटने की कोशिश करो, अपना घर संभालो, हमारी चिंता मत करो, हम अपनी चिंता कर लेंगे। ऐसा क्यों इस बार ज़्यादातर देखा गया लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है वो साथ में कहीं ज़्यादातर नहीं दिखे? वो रहेंगे नहीं, वो तो आपस में एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है, वो कभी भी साथ में रहने वाले है नहीं। और वो मैं इसीलिए तो कह रहा था कि उनको कहो कि अपना घर संभाले, हमारी चिंता नहीं करें, हम अपनी चिंता कर लेंगे, हमारा एकजुट संगठन है, संगठित हमारा स्वरूप है, तो कहीं हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना घर संभाल रहे हैं।